हत्यारे को सरेआम सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। एक ओर मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बिहार में भी ऐसी घटना देखने को मिलती है। पिछले दिनों बेगूसराय में एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसी को लेकर आज महिला विकास मंच के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है और मांग किया जा रहा है कि कौन कौन सा मांग है इन लोगों का, इस तरह से महिलाओं को लेकर के जो बिहार में जो बातें हो रही है। एक ओर मणिपुर, दूसरी ओर बिहार, महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, सरकार से क्या मांग है? देखिए, जो भी घटना घटी है पूरा वो घटना वायरल हो चुका है। हमारे घर की माँ बेटिये बहुएं सब देख रहे हैं और अब सभी लोग डर रहे हैं कि अब हम लोग अपने बेटी बहू को बाहर पढ़ने के लिए अगर भेजेंगे और कोई गुंडा कोई से अगर जाति दुश्मनी हो जाएगा, तो यदि मणिपुर के घटना पर सरकार इस तरह से मौन साधे हुए हैं तो क्या हमारी बेटियों को नंगा किया जाएगा, बीच चौराहे पर दौड़ाया जाएगा, तो क्या सरकार की आवाज़ निकलेगी, क्या कोई सजा होगा? तो सबसे बड़ा ये है कि इतनी बड़ी घटना समाज में घटी है, एक द्रौपदी का मात्र दुशासन ने वस्त्र को छू दिया था तो श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना कर दी थी। आज मोदी जी, लोग आपको बड़ा बड़ा नाम दे रहा है कि आप कलयुग के भगवान हैं, कि सर उन अपराधियों को आप अरेस्ट करिएगा, अरेस्ट करने के बाद आप क्या करिएगा जनता नहीं देख पाएगी। क्या लगता है कि बिहार में भी इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है? ये सप्ताह ऐसा रहा है कि दो तीन ऐसे घटना सामने आए हैं जिसमें बिहार को शर्मसार होना पड़ा है। देखिए, घटना बिहार में हो, घटना मणिपुर में हो, देश की बेटियां मारी जा रही हैं। कब तक सहेंगे हम? कब तक हमारी देश की बेटी बलि देगी और राजनीतिकरण होती रहेगी? चाहे वो कांग्रेस जीत जाए या बीजेपी जीत जाए या अदर कोई भी पार्टी जीते, लेकिन मर तो बेटी रही है। कब तक ये होता रहेगा? हमें मारो और तुम राजनीतिक पापड़ सेको, कब तक ये चलेगा? बंद होना चाहिए और हत्यारे को सरेआम सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। हम अब नहीं, लोग अपना हाथ झाड़ लेते हैं कि कांग्रेस के वजह से, बीजेपी के वजह से। ये तमाशा आप लोग बंद करिए सर, जिनकी कुर्सी है और जिनके हाथ में ये सत्ता है, आप लोगों से निवेदन है कि एक नए सिस्टम का प्रावधान करिए। जिस तरह से उन महिलाओं को बीच चौराहे पर नंगा करके दौड़ाया गया था, उसी तरह उन अपराधियों को भी बीच चौराहे पर दौड़ाकर और गोली मरवाकर प्रशासन को ऑर्डर दीजिए कि उसी चौराहे पर गोली मरवाकर, और जिस तरह से हमारी बेटियों को नग्न वीडियो वायरल हुआ है, उसी तरह उन अपराधियों का मौत का भी वीडियो वायरल होना चाहिए। हमारे साथ अभी महिला विकास मंच की जो लोग हैं वो थे। साफ तौर पर कहना है कि जो घटना मणिपुर में और बिहार में हुई है उसको लेकर के सरकार राजनीति ना करे, जो दोषी है उसको सजा भी देने की मांग जो है महिला विकास मंच के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं भी पुल पटना।